बैक माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही मस्त होंगे जहां भी होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही बेहतरीन उठान। उठान मतलब जब आप किसी भी गाने के साथ जब आप बजाते हैं ढोलक, तो आप पहले जिसको अगर ताल, बहुत सारे लोग होते हैं ताल के साथ ही उठाते हैं गाने को कि तुरंत ताल शुरू कर देते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग होते हैं कि ताल के साथ गाने को नहीं उठा पाते हैं, ठीक है, तो उनको परेशानियां होती हैं। तो इतने सारे लोग का जो कमेंट आया था मेरे पास कि मैम आप जैसे उठाते हो गाने को, जैसे आप उठान बजाते हो, आप वैसे हम लोग को भी बताएं जिससे हम लोग को भी परेशानियां ना हो गाने के साथ उठाने में, ढोलक कैसे बजाएं। तो आज वही चीजें मैं आपको, आप लोगों के लिए लेके आई हूं, और वो भी चुटकियों में बजेगा, मतलब चुटकियों में आप इस ताल को, इस उठान को सीख सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन है, कुछ इसमें करना ही नहीं है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बजेगा और समझ में भी बहुत जल्दी आपको आएगा, ठीक है। आइए मैं आपको बताती हूँ, केवल आपको 4 काउंटिंग के साथ इसको बजाना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों हैंड आपको एक साथ ही गिराना है, अलग गिराना भी नहीं है कि आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि पहले हैंड कौन सा गिरेगा, पहले हैंड कौन सा गिरेगा। इसमें बिल्कुल ये सब चीजें आज है ही नहीं, केवल आपको रिदम याद करना है और आपको बोल याद करना है और आपको काउंटिंग याद करना है। चाहे आप बोल इसको समझ लीजिए, काउंटिंग ही सिखाएंगे क्योंकि आपको काउंटिंग में जल्दी समझ में आता, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए 1 2 3 4 पे आपके ये कोई सा भी ताल आप बजा सकते हैं, आपके कोई सा भी ताल आपके उठ जाएंगे। देखिए 1 2 3 4, मतलब 4 पे आपके बहुत ही अच्छे उठेंगे 1 2 3 4, और हैंड भी दोनों एक तरह ही गिरेंगे 1 2 3 4 आप बजाएं, चाहे आप छल्ले पे बजाएं, चाहे आप कोई सा भी आप ताल बजाएंगे, तो आपके देखिए 1 2 3 4 4 पे आपके उठ जाएंगे 1 2 3 4, मतलब बहुत ही बेहतरीन ताल ये आपके उठान है। जिसको अभी तक गाने के साथ ताल को उठाने में प्रॉब्लम होती है, तो आप एक बार जरूर ये उठान सीखें, मतलब बहुत ही बेहतरीन उठान है। हमने खुद ही अपने गुरुजी से सीखा था, तो वो चीज हमको यही बताए थे, अगर आप ताल के साथ, बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं कि अब जैसे है मधुबन कैसे जाऊं सखी रे रोए कन्हैया मेरो, तो बहुत सारे लोग देखते हैं किसको उठाएं। तो अब इसमें देखिए इजी यही पड़ता है, मधुबन कैसे उठाइए, बहुत जल्दी मैच भी कर जाएगा आपके गाने के साथ। देखे मधुबन कैसे जाऊं सखी रे रोए कन्हैया। जल्दी आपके रिदम में भी आप जल्दी से आ जाओगे। ये चीजें आपको नहीं भूलेंगे कि कैसे बजाऊं, कैसे उठाऊं, कहां कैसे उठेगा, कहीं भी आप इसे उठा सकते हैं, किसी भी गाने पे उठा सकते हैं। आपको ये नहीं है कि केवल इसी गाने पे या ऐसे ही ताल पे इसी ताल पे उठेगा, किसी भी आप उठा सकते हैं। इस ताल पे देखिए 1 2 3 4, और ले लीजिए मधुर रात की मधुर मिलन है
मधुर बजे सहनाई सुबेरा हो गया है, सुबेरा हो गया है। मधुर रात की मधुर मिलन है, मधुर बजे सहनाई सुबेरा हो गया है, सुबेरा हो गया है। ओ मेरे प्यारे बन्ना कुएनों का ना जान छोड़ दे, महर की बेटी दिल ले ले कर देगी बदनाम, सुबेरा हो गया है, सुबेरा हो गया है, सुबेरा ताल पे। अब समझ में आ गया ना कि आपको किसी भी ताल पे आप इसे उठान को बजा सकते हैं। अब कुछ नहीं है, दोनों सिंपल सा ही, दोनों हैंड को गिराना है, 1 2 3 4, 4 पे आपको उठा लेना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 3 बार आपको मारना है। चौथी बार में आपको कोई भी जो भी आपको रिदम बजाना है उस ताल को आपको उठा लेना, जैसे 1 2 3 4, 4 पे ये ताल उठ गया, 1 2 3 4, छल्ले वाले उठ गए। मतलब जितने सारे अगर आपको ताल आते हैं तो आप इस उठान पे एक बार जरूर देखें, जरूर सीखें, आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि बिल्कुल कुछ नहीं है। घरों में आप बैठे हैं, एक बार आप इस टाइम निकाल के 5 मिनट ही आप अपने घरों में टाइम निकालें और रोज रियाज करें, ठीक है, रोज प्रैक्टिस करें, आपको जरूर आएगा, 110% आएगा। बिल्कुल कुछ है ही नहीं ढोलक बजाने में। बहुत सारे लोग का कमेंट आता है कि मैम नहीं आता आपकी तरह बजाने, नहीं आएगा। अरे क्यों ऐसे बोलना, बिल्कुल आएगा आप लोग को। आप लोग भी ऐसे हताश हो जाते हो तो अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करती हूँ, पूरे दिन काम करने के बाद मैं खुद आपके लिए सोचती हूँ कैसे मैं टेक्निक निकालूं, कैसे मैं ढोलक पे और अच्छे से इजी तरीके लेके आऊं आप लोगों को सिखाने के लिए। मैं इतना करती हूँ तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं मेरे कहने की वजह से ही, ठीक है। तो जी हाँ, आप लोग जरूर सीखें, और ऐसे ही रिदम बजाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। क्योंकि अगर आप अच्छे अच्छे चीजें को सीखेंगे, अपने अंदर हुनर को लेके आएंगे, तो वो चीजें निखर के आती है ना, तो वो चीजें आप लोग को 4 लोग देखने वाले लोग होते हैं। और ये ढोलक और ये गाने, ये ऐसी कला है ना कि आप इसे छुपा के नहीं रख सकते, कहीं बंद कमरे में आप इसे नहीं कर सकते हैं। अगर बंद कमरे में करेंगे तो भी आपकी आवाजें बाहर तक तो ही जाएंगी ही जाएंगी, ठीक है। तो आप एक बार जरूर सीखें ढोलक को बजाना, क्योंकि महफिल जमाने वाला काम है ये ढोलक और ये गाने। तो आप इसे सीखें, और अगर आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर कुछ कला है, तो इतना अच्छा सोशल मीडिया आपको दे रखा है स्टेज की, आपके अंदर जो हुनर है तो आप उसे निखार सकते हैं, दिखा सकते हैं, चाहे आपके सिलाई कढ़ाई हो, चाहे आपके कुकिंग हो, आपके आपके अंदर जो भी टैलेंट है, तो आप पे यूट्यूब के माध्यम से आप अपने कला को प्रदर्शित, अपने कला को दिखा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और लोगों को उस चीज को आप सिखा भी सकते हैं। तो एक बार दोबारा से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर सीखें और अपने अंदर अच्छी अच्छी चीजें को सीखने की कोशिश करें, अपने अंदर अच्छी चीजें को लेके आए, ठीक है, बुरी चीजों को मत लेके आए। तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलती हूँ एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, लव यू। आप सभी लोग ऐसे ही खुश रहें और अपनों के साथ हमेशा मुस्कुराते रहें। बाय।